Assalamu alaikum students, hope you all are well. The lecture of today is for class 5 and the subject is English. Today we are going to start chapter 4. This morning is our history test. Students, hold your pencil in your hands to write the meanings of difficult words and important points. स्टूडेंट्स, हिस्ट्री जो है वो एक सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें डेट्स और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो याद रखनी पड़ती हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो हिस्ट्री का टेस्ट कर रहे हैं और ये लोग काफ़ी नर्वस लग रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो बैठा हुआ है, ये तो इस तरह से लग रहा है डेस्क के अंदर कुछ देख रहा है, मे बी कोई चीटिंग मटेरियल हो इसके पास और वो चीटिंग कर रहा हो। तो जब हम लोग ये पोइम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वाकई वो चीटिंग कर रहा था। दिस मॉर्निंग इज अ हिस्ट्री टेस्ट, इस सुबह हमारा हिस्ट्री का टेस्ट था। आई हैव पिन्ड माई नोट्स इनसाइड माई वेस्ट। पिन्ड अटैच, अटैच करना, अंदर की तरफ लगाना। उसने क्या किया था, अपनी जो कोट के अंदर वेस्ट जो होती है, वेस्ट शर्ट के नीचे स्लीवलेस शर्ट होती है जो आप शर्ट के नीचे पहनते हैं, उसने उसके साथ अटैच किए थे नोट्स। इनसाइड माय कोट, इनसाइड मीन अंदर, अपने कोट के अंदर। आई रोट माय नोट्स, उसने अपने नोट्स जो थे वो लिखे, कोट के अंदर भी उसने रखे। इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस क्विट्स, उसने मशहूर जो डेट्स थी वो और मशहूर कॉल जो थे, अकवाल जो थे, दूसरों के कहे हुए वर्ड्स जो हैं वो एज इट इज़ उनको लिखना, वो अकवाल होती हैं, क्वेट्स होती हैं। आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड्स, उसने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ पर भी लिखी थी, दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, जिसे सिर्फ वो ही समझ सकता था। एंड इन माई सॉक्स एंड स्लीव्स आई स्टोव्ड, स्टोव्ड मीन्स टू पुट सेफली, मतलब बड़ी हिफाजत से रखे थे उसने क्या चीज़, नोट्स अपनी सॉक्स और स्लीव्स में। माई स्क्राइबल नोट्स इन सीक्रेट कोट, उसने स्क्राइबल मीन्स टू राइट क्विकली, तेज़ी तेज़ी से उसने नोट्स जो लिखे थे इस तरह से लिखे थे कीवर्ड्स में, की पॉइंट्स में, कि जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। आई हैव रिटन डाउन सो मैनी नेम्स, उसने बहुत सारे नाम लिखे ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स जीते थे उनके नाम। ऑफ बिल्डिंग्स, पीपल, प्लेसेस टू, उसने लोगों के, इमारतों के और जगहों के भी नाम लिखे। फ्रॉम टेनेसी टू टिम्बकटू, टेनेसी जो है वो एक स्टेट है अमेरिका की और टिम्बकटू जो है वो एक शहर है माली का। आई इवेंट कॉपी डाउन अ पीस, उसने एक और जो था पेपर का पीस उस पर उसने क्या राइट किया, ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीस। एंशियंट मीन पुराना, कदीम, उसने रोम और ग्रीस के बारे में भी जो है वो भी राइट कर लिया। प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर जो है वो राइटर था और पोइट भी था, उसके जो प्लेस थे उसमें से भी उसने हर चीज़ कॉपी कर ली। To who invented mayonnaise? और उसने ये भी नोट कर लिया कि mayonnaise जो है वो किसने जो थी वो इन्वेंट की थी। अब नेक्स्ट पेज इज पेज 24। आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड, आई wasn't नर्वस, was नॉट scared। वो जो था वो स्कूल बहुत ही तैयारी के साथ आया था, scared ना ही वो डरा हुआ था और ना ही वो नर्वस था। बट हेयर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट, लेकिन फिर भी हिस्ट्री का टेस्ट था। आई लुक्ड इनसाइड माय कोट एंड वेस्ट, उसने कोट और वेस्ट के अंदर देखा, क्या देखा, वही चीटिंग मटेरियल सर्च करने की कोशिश की, टू गेट द डेट्स एंड फेमस क्विट्स, ताकि वो वहाँ से डेट्स और अकवाल जो हैं वो देख सके। एंड फाइंड आई कैन नॉट रीड माई नोट्स, लेकिन बाद में जो था उससे पता चला कि वो नोट्स को नहीं पढ़ सका। सो मच फॉर शेक्सपियर, ग्रीस एंड रोम, उसमें शेक्सपियर और ग्रीस और रोम के बारे में बहुत कुछ था। आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम, लेकिन
वो नोट्स इसलिए नहीं पढ़ सका क्योंकि वो अपने ग्लासेस घर भूल आया था। तो स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों ने रीडिंग जो है वो खुद से करनी है।